हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रणव प्रियदर्शी और आप हैं जी हाँ प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा और आप सभी बहुत ज़्यादा मूवी देख भी चुके होंगे। आज मैं 10 मूवी को चर्चा करने वाला हूँ, 10 फिल्मों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जो एक टीचर्स और एक स्टूडेंट के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन मूवी को ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि हर मूवी का कुछ ना कुछ मैसेज हमारे बीच में मिलता है और उस मूवी से कुछ ना कुछ हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ सकते हैं यदि आप उसको पॉजिटिव वे में लो। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं 10 फिल्म को अपने अनुसार से रैंकिंग किया हूं और उसको मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। और एक सबसे खास बात यह है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, यह तो एजुकेशनल चैनल है और इसलिए यहां पर जो ज़्यादातर जो विजिट करते हैं हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो 18 से 35 साल के बीच के स्टूडेंट ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल फिल्म का नाम मैं सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ, जो वो 11वां का लिस्ट में। मैं 10 जो मुख्य है वो तो मैं बताऊंगा ही, जो एक सबसे स्पेशल है उस मूवी का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो मूवी स्पेशली यूथ लोगों को क्यों देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इसी को और शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला मूवी से। तो जो सबसे पहला मूवी है मेरे अनुसार से वो है 3 इडियट। अब गाइज, ये 3 इडियट जो मूवी है वो आप सभी में से भी बहुत सारे लोग देखे होंगे क्योंकि एक सुपर डुपर हिट मूवी था और इसमें आमिर खान का एक बेहतरीन किरदार है और इसमें जो जो भी एक्टर जो पार्टिसिपेट किए हैं उनका एकदम बेहतरीन भूमिका हम लोग को देखने को मिला है। तो वो 3 इडियट मूवी एक स्टूडेंट के ऊपर बनाया गया है कि अपने लक्ष्य के प्रति आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो आप उसकी तरफ कैसे समर्पित हो सकते हैं, आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो, आपका जिधर इंटरेस्ट हो आप उसी की तरफ बढ़ो, उसी से आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी और आप उसी में कामयाब हो जाओगे। ये उस मूवी का एक संदेश था, मैं एकदम शॉर्ट में बताने का प्रयास किया हूँ। जो देखे होंगे वो तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जो नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ जाकर उसको देख लेंगे। सेकेंड रैंक में है वो है हमारा Super 30, जिसका बैकग्राउंड में कुछ पोस्टर्स आपको दिख रहे होंगे। सुपर 30 मूवी ये रियल बायोग्राफी पर लिखा गया है, पटना के एक टीचर आनंद सर उनके ऊपर लिखा गया, मैथमेटिक्स के वो एकदम बेहतरीन एक टीचर हैं उनके ऊपर लिखा गया ये कहानी है। ऋतिक रोशन के द्वारा बेहतरीन भूमिका निभाया गया इस मूवी में। तो ये मूवी भी आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर से मोटिवेट करेगा कि मुझे किस तरह से अपने लक्ष्य के प्रति किस तरह से समर्पित होना चाहिए, अपने पढ़ाई की चीज़ों को किस तरह से हर चीज़ों में हम ढूंढेंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करके हम कैसे सीखेंगे, इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। थर्ड रैंक में जो है वो है हॉलीवुड फिल्म, जिसका नाम है द क्रूड्स। ये एक कार्टून मूवी है जिसका बैकग्राउंड में कुछ पोस्टर्स आपको दिख रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, ये मूवी जरूर ही कार्टून की मूवी है परंतु ये सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। एक मज़ेदार मूवी है ये, आप जब देखोगे तो शुरू से लास्ट तक जरा सा भी बोरिंग नहीं फील होगा। इतना ज़बरदस्त इसका स्टोरी लिखा हुआ है कि हर कोई इसको पसंद करेगा और एकदम कॉमन से कॉमन आदमी भी इस मूवी को समझ जाएगा। द क्रूड्स में वो बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि एंशियंट हिस्ट्री में किस तरह से आदि मानव लोग होते थे। तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, जो नहीं भी हैं उनके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। फोर्थ रैंक में जो मूवी का लिस्ट है वो है तारे जमी पर। गाइज, ये जो मूवी है इसमें आमिर खान एक टीचर्स का रोल निभाते हैं और एक छोटा सा बच्चा है जिसका बेहतरीन किरदार आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली उन बच्चों के ऊपर लिखा गया है जिनका कुछ आंतरिक प्रॉब्लम होती है लेकिन उनमें जो मेरिट होती है उसको पहचानने का जो कार्य होता है वो टीचर्स को करना चाहिए और उनके साथ में कैसे भावनात्मक रूप से जोड़कर उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे, उनका जो पॉजिटिव थिंक है उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शंस में कैसे आप उनको ले आओगे, ये एक टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के सभी टीचर्स को वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। जो 5th रैंक पर है वो है हमारा हिचकी। ये हिचकी मूवी जिसका पोस्टर आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये हिचकी मूवी में रानी मुखर्जी एक शिक्षिका के तौर पर किरदार निभाई है। दरअसल जो शिक्षिका होती है रानी मुखर्जी, उनको हिचकी की प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी बात को करते तो वो हिचकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हिचकियाँ आते रहती हैं और इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं जिस स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं उनको छाँट दिया जाता है लेकिन एक स्कूल में उनको सेलेक्ट कर दिया जाता है। और जब वो बच्चों के बीच में जाते हैं तो बच्चे जैसे बच्चे होते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं शिक्षिका का। रानी मुखर्जी हार नहीं मानती हैं
उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चे उनके तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। लेकिन इस मूवी में सबसे खास बात यह है कि रानी मुखर्जी स्लम एरिया के बच्चों को चूज करती हैं और उनको एजुकेशन के प्रति कैसे उनको जागरूक करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल तौर पर स्टूडेंट को कैसे बताना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बेहतरीन जानकारी उसमें दी गई है। इसलिए मुझे लगता है ये मूवी हर टीचर को पॉजिटिव मोटिवेशन दे सकता है। मेरे ख्याल से आपको वो मूवी देखनी चाहिए। उसके बाद आप जब एनालिसिस करोगे तो आप बेशक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। अब गाइज जो 6th रैंक में है वो है हमारा मैरी कॉम। ये मूवी दरअसल मोटिवेशनल मूवी, ये भी एक ओरिजिनल बायोग्राफी है जो मैरी कॉम के ऊपर लिखा गया। लेकिन इस मूवी में जो किरदार निभाई है वो है प्रियंका चोपड़ा। एक प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस के तौर पर उसमें काम की है, परंतु ये ओरिजिनल बायोग्राफी है। मैरी कॉम एक बॉक्सर थी और बॉक्सर होने के कारण उनके फादर उनके खुद खिलाफ में थे कि एक लड़की को ये सब बॉक्सिंग वगैरह करना नहीं चाहिए। मैरी कॉम की मम्मी उनको बहुत ज़्यादा साथ देती हैं और इस तरह से मैरी कॉम एक समय के आने के बाद वो सफल हो जाती हैं। वो भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलती हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जितने संघर्षों के बावजूद वो जिस तरह से पढ़ी, भारत के सभी गर्ल्स बॉयज़ और जो टीचर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पर वो मूवी मैरी कॉम एक बेहतरीन साबित हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, अब जो 7th रैंक में है वो है सुरमा। ये मूवी भी ओरिजिनल बायोग्राफी पर है। ये भी एक ओरिजिनल बायोग्राफी पर आप YouTube पर सर्च करोगे तो उस हॉकी प्लेयर का जीवनी के बारे में उनका खुद का इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। उनके साथ में बहुत बड़ी घटना घटती है, उनको अनजाने में किसी व्यक्ति के द्वारा उनको गोली लग जाती है और बहुत बड़े प्लेयर होते हैं वो इंटरनेशनल खेलने जाते हैं परंतु गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद वो पैरालिसिस हो जाते हैं। लेकिन उस पैरालिसिस होने के बावजूद भी वो जिस तरह से अपने आप में हिम्मत रखे और फिर से वो ग्राउंड में उतरते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशंस वाला मूवी मुझे लगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें एक सॉन्ग भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब जो 8 नंबर का जो रैंक है हमारा वो है, मूवी का नाम है हमने जीना सीख लिया। ये मूवी में तीन तीन स्टोरियाँ एक साथ इंक्लूड की गई है। पहला तो ये है जो 10th लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको अट्रैक्शंस और लव में डिफरेंसेस नहीं पता होता है और इसलिए वो एक अलग ही पागलपन में वो जीवित होते हैं। आप सभी जानते हैं, जो भी टीचर्स देख रहे होंगे उनको पता होगा कि एडोलेसेंस एज को यानी कि किशोरावस्था को हम लोग तूफान के एज भी कहते हैं। उस एज के बारे में बेहतरीन रूप से उस मूवी में बताया गया है। दूसरा जो उसी मूवी में है वो ये है कि स्टूडेंट के बीच में और एक सामाजिक मुद्दों में किस तरह से बार बार जो हमारे देश में जो आंदोलन देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी बेहतरीन रूप से बताया गया है। तीसरा जो है गाइज वो ये है कि एक टीचर्स का बिहेवियर अपने स्टूडेंट्स के प्रति किस तरह होना चाहिए, परंतु उस मूवी में कहीं ना कहीं जो ईमानदार टीचर होते हैं उनको भी धोखा देने का कार्य होता है, उनको भी फंसाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये हमने जीना सीख लिया मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद आप खुद से एनालिसिस कर लो। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना कि सर मैंने ये मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब हम लोग 9th नंबर के मूवी को चर्चा करते हैं। 9th रैंक में हमारे अनुसार से है वो मूवी का नाम है हवा हवाई। ये दरअसल नया मूवी है, स्केटिंग को लेकर इस मूवी में बनाया गया। जो एक निम्न तबके का जो बच्चा होता है उसका अपना एक लगाव होता है जिसके प्रति वो हासिल करने के लिए अपने मित्रों को सहारा लेकर वो किस तरह से उसको हासिल करता है। जो टीचर्स का रोल किए हुए हैं वो एक युवा है और युवा होने के कारण वो बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छा अपने आप को घुल मिल जाते हैं। इसलिए वो मूवी मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अब गाइस जो हमारे टीचर्स स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 10th रैंक की जो मूवी है वो ये है, ब्लैक बोर्ड वर्सेस व्हाइट बोर्ड। ये मूवी दरअसल हमारा रामगढ़ क्षेत्र में, हजारीबाग का लोकल डिस्ट्रिक्ट हमारा रामगढ़, रामगढ़ का पोचरा में ये शूटिंग हुआ है। उसके गाने जो है वो हमारा पतरातू डैम में भी शूटिंग हुआ है। उसका जो कोर्ट का जो जितना बहस होता है वो हमारा शूटिंग हुआ है हजारीबाग में। तो ये मूवी का जो कहानी है वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में किस तरह से एजुकेशन को नापा तौला जाता है, लेकिन एक टीचर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल के नाम पर और किस तरह से वो काम करके अपने गवर्नमेंट स्कूल को बेहतरीन साबित कर सकते हैं, इस
कहानी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, खास करके जो झारखंड से हैं, उनको तो ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें से जो कुछ मूवी है उनका लिंक अभी आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नए फिल्म है। तो जाहिर सी बात है, आप इतने ज़्यादा इंटरनेट से जुड़े हुए, तो आप कहीं से दूसरे जगह से व्यवस्था कर लो। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे 10 मूवी का लिस्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी इसको ज़रूर देखोगे, और जो देख लिए होंगे वो प्लीज़ कमेंट करें कि वो मूवी आपको कैसी लगी। अब जो है आपका सब्र का बांध यहाँ पर हम ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि मैं 11वीं फिल्म का चर्चा करने जा रहा हूँ। वो है 18 से 35 वर्ष के जो युवा होते हैं, उनके बीच में बहुत सारी समस्या आती है, और जब उनके साथ में जब प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी जो एनर्जी होता है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। वो नशे की ओर बढ़ जाते हैं या फिर आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनको पॉजिटिव वे में उनका एनर्जी को कैसे लगाना चाहिए, इस मूवी में एक अच्छा मोटिवेशंस मैसेज मिला हुआ है। मूवी का नाम है शादी में जरूर आना। डियर फ्रेंड्स, ये मूवी है जो हर 18 से 35 वर्ष के स्टूडेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए। कि आखिर ये मूवी में कहना क्या चाहता है, मेरे ख्याल से राजकुमार राव इसमें बेहतरीन एक्टिंग किए हुए हैं। आप सभी में से मैं बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, तो मुझे लगता है कि ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इसमें जो दिखाया है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरह से अपनी एनर्जी को लगा सकते हो, ये आप बेहतरीन रूप से इसमें समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, और आप बेशक उसको ज़रूर देखो। आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। देखने के बाद कम से कम इतना तो जरूर कर देना कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दो कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। जितना मैंने 11 मूवी का लिस्ट बताया, उसमें से आपको कौन कौन सी मूवी अच्छी लगी। आज की हमारी संडे स्पेशल क्लासेस यहीं पर समाप्त होती है। डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, संडे स्पेशल क्लासेस हमेशा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। आपका जो सिक्स डे है, मंडे टू सैटरडे जो है, वो आपका सब्जेक्ट से टॉपिक लगातार आपके बीच में आते रहते हैं, सब्जेक्ट से टॉपिक आते रहते हैं। लेकिन संडे एक ऐसा दिन है जिसमें मैं प्रयास करता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी जाएँ जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने मूवी का नाम शेयर किया हूँ, इसमें से हो सकते हैं कुछ लोगों को शायद ख़राब लगे, परंतु एक टीचर्स के तौर पर किस तरह से आप एनालिसिस करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट के तौर पर आप उस मूवी को किस तरह से एनालिसिस करते हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो चलिए गाइज, आज की क्लास हमारा संडे स्पेशल क्लासेस यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे हिस्ट्री के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू। आपका दिन खुशनुमा हो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेया शारिया। मेरे पढ़ना भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।